नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जय माता दी। अगर उपासना के समय, दोस्तों, अगर आप नवरात्रों का व्रत रखते हैं या आप कभी सत्यनारायण की व्रत कथा अपने घर में करते हैं, तो हमेशा नारियल रखते हैं लोटे के ऊपर। पहले लोटे में जल भरते हैं, उसमें चावल डालते हैं, फिर उसके बाद नारियल रखते हैं। तो अगर वो खराब हो जाए तो मतलब भगवान ने दे दिए हैं आपको ये संकेत। दोस्तों, छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे उपाय कई बार हमारी लाइफ पर बड़ा असर डालते हैं, और बिना जानकारी के अभाव में हमसे काफ़ी बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि सनातन धर्म पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक धर्म है, और यहाँ हर बात का एक मतलब होता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा दोस्तों हुआ है कि आपने जो नारियल उपासना में चढ़ाया था वो अंदर से खराब निकल गया हो? कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा, और जब हुआ होगा तो आपको दुकानदार पर जरूर गुस्सा भी आया होगा कि उसने हमें ऐसा खराब नारियल क्यों दे दिया। आपको लगता होगा भगवान नाराज हो गए हैं या कोई हादसा होने वाला है। ऐसी कई बातें आपके माइंड में दोस्तों चक्कर काटने लगती हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि अगर उपासना में चढ़ाया गया नारियल अगर दोस्तों खराब निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अशुभ होने वाला है, बल्कि नारियल का खराब निकलना दोस्तों शुभ होता है। खराब नारियल को शुभ मानना इसके पीछे एक खास कारण होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि नारियल फोड़ते समय खराब निकल जाए तो मतलब कि परमेश्वर ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इसीलिए वो अंदर से पूरा सूख गया है। यही नहीं, ये इच्छा पूर्ण होने के भी दोस्तों संकेत हैं। इस समय आप भगवान के सामने अपनी जो भी मनोकामना जाहिर करेंगे वो दोस्तों जरूर अवश्य पूरी होती है। ये अब बातें किसी ने केवल यूं ही कह दी हैं और ये एक अंधविश्वास मात्र है। ऐसा कहने वाले भी बहुत से लोग हमें अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन इसकी विपरीत आस्था विश्वास रखने वाले लोगों की भी दोस्तों कमी नहीं है, और ज्ञानवान बुद्धिमान लोगों द्वारा तथा पुराणों में भी यही कहा गया है कि जिसकी जितनी आस्था होती है उसको उसी हिसाब से अपने लाइफ में परिणाम हासिल होते हैं। दोस्तों दोस्तों जो मैंने ये जानकारी आपको दी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।